जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। किसान भाई बहनों, आज भी मैं हाजिर हो गई हूँ आप सभी किसान भाई बहनों के लिए कृषि से संबंधित नई जानकारियाँ लेकर। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं अनुश्री, आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मधुमक्खी पालन व्यवसाय स्थापित करने के लिए मिलता है लागत का 40% अनुदान। मत्स्य विभाग में निशुल्क कराएं तालाब की मिट्टी और पानी की जांच। निकाई के लिए बेहतर उपकरण है व्हील हो। राज्य के किसान मधुमक्खी पालन से संबंधित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक उपादानों के लिए जैसे मधुमक्खी कॉलोनी, मधुमक्खी छत्ता, मधु निकासी यंत्र इत्यादि के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन लागत का 40% राशि अनुदान देती है। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। झारखंड राज्य बागवानी मिशन राज्य में बागवानी से जुड़े किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक है मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए उसमें लगने वाले उपादानों जैसे मधुमक्खी छत्ता, मधुमक्खी कॉलोनी एवं मधु निकासी यंत्रों इत्यादि की खरीद एवं स्थापना के लिए परियोजना लागत का 40% राशि अनुदान देती है। शेष 60% राशि किसान को स्वयं ही वहन करना होता है। राज्य के मछुआरों के कल्याणार्थ मत्स्य विभाग झारखंड कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक है तालाबों की मिट्टी और पानी की निशुल्क जांच करना। जिन मछली पालकों के तालाब की मछलियों की बढ़वार समय पर नहीं हो रही है या कोई अन्य समस्या तालाब में है तो वे इस योजना के तहत पानी और मिट्टी की जाँच करा कर समस्या दूर कर सकते हैं। रबी दलहनी फसलों में मसूर हमारे यहाँ प्रमुखता से उपजाई जाती है। जो किसान मसूर लगाना चाहते हैं वे निश्चित तौर पर चाहेंगे कि उपज अच्छी हो, तो अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक है कि बीज अच्छे और उन्नत किस्मों के हों। झारखंड की भूमि में बेहतर पैदावार देने वाली कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित मसूर के उन्नत प्रभेद हैं DPL 15-17-62 और 406। किसान भाइयों, इस समय आपके लगाए बैंगन के फसल में फली छेदक कीट के लगने की संभावना रहती है, जो कि फसल के लिए काफी नुकसानदेह साबित होता है। फली छेदक कीट से बैंगन फसल की कैसे रक्षा करें, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाइयों, अभी जो है खेत में आपके बैंगन लगे होंगे, बैंगन के खेतों में बहुत सारे कीटों का प्रकोप हो जाता है। इसमें हम फल छेदक जो है मुख्य होते हैं, इसके लिए हम इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा 1 ml प्रति लीटर पानी में डालकर इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा लगी हो, कीड़े ज़्यादा हों, तो 2 ml प्रति लीटर पानी में डालकर इस्तेमाल करें। व्हील हो ये नाम है कृषि उपकरण का, जिसकी सहायता से फसलों की निकाई की जाती है। यह उपकरण किसानों का समय और श्रम बचाकर सुविधाजनक तरीके से फसलों की निकौनी करता है। इस उपकरण का नाम है व्हील हो। यह फसल में निकाई गुड़ाई के काम के लिए बहुत ही उत्तम उपकरण माना जाता है। किसान इसका इस्तेमाल कर अपना समय और मेहनत दोनों बचा सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 20 decibels प्रति दिन है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए किसान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कृषि समाचार में आइए अब मिलते हैं सफल किसान से और जानते हैं उनके बेहतर कृषि जीवन के बारे में। जो श्री विधि है उसका हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। श्री विधि के विधि से खेती करने से यह निश्चित है कि अगर समय पर किया जाए, समय पर खाद पानी गोबर दिया जाए तो अच्छी मात्रा में धान होती है। श्री विधि तो यूँ तो हाइब्रिड अच्छा होता है, क्योंकि अगर समय पर हाइब्रिड का बीज नहीं मिलने से हम लोग देसी बीज का भी श्री विधि के तरीके से खेती करते हैं, उसमें भी अच्छा ही उपज आता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए हैं। रांची अधिकतम 27, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 30, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस।
गोड्डा अधिकतम 31, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस, कोडरमा अधिकतम 28, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा अधिकतम 29, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग अधिकतम 28, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की मंडियों में अनाज पूर्व सप्ताह के मूल्यों पर टिकी नजर आई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में कुछ अनाजों के भावों में आंशिक वृद्धि संभव है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियां महंगी बिकी। टमाटर के मूल्य में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पे नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मोटा न्यूनतम 2000, अधिकतम 2400 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2600, अधिकतम 3000 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1800, अधिकतम 2400 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 10100, अधिकतम 11800 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 6800, अधिकतम 7450 रुपए। दाल चना न्यूनतम 6700, अधिकतम 7400 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 9700, अधिकतम 11500 रुपए। आलू न्यूनतम 1400, अधिकतम 1800 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1500, अधिकतम 2000 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। चलिए हम जानकारियों को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। किसान भाई बहनों, कृषि विज्ञान केंद्र में रोजगार एवं प्रशिक्षण के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। कहते हैं कि हुनर कभी जाया नहीं जाती। अगर आप हुनरमंद हैं, तो काम मिल ही जाता है। यही सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की भी रही है। यही कारण है कि देश भर में कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत गांव गिराव में लोगों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। जो जिस स्तर का काम सीख सकता है, उन्हें उस काम में दक्ष बनाया जा रहा है। हजारीबाग स्थित होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र में इन युवतियों और महिलाओं को भी सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये युवतियां ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं, जो अलग अलग गांवों से यहां इकट्ठा हुई हैं एक बेहतर भविष्य के लिए। ये युवतियां गरीब परिवार। आज हम होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग में उपस्थित हैं और हमारे साथ है यहाँ की सिस्टर अलमा, जो कि हमें बताएंगी कि किस प्रकार से यहाँ पर सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है और लड़कियों को किस प्रकार से प्रशिक्षित कर उन्हें अपने पैरों में खड़ा करने का मौका दिया जाता है। यहाँ का जो प्रशिक्षण है साल में 2 बार होता है, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये साल में 2 बार होता है। और यहाँ पर जब लड़कियाँ आती हैं यहाँ पर, शुरू में तो सभी को आता नहीं है मशीन चलाना या हाथ से कुछ डिज़ाइन बनाना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जब कैंडिडेट या लड़कियाँ आती हैं या महिलाएं जो इच्छुक हैं यहाँ पे सिलाई सीखने के, तो यहाँ पे सभी को, जो भी यहाँ पर आते हैं इच्छुक महिलाएं और लड़कियाँ, सभी को हम लोग ये यहाँ एडमिशन देते हैं। और एडमिशन के लिए कोई खास
ये प्रमाण पत्र वगैरह लाने की आवश्यकता नहीं है। वे जो इच्छुक हैं वे लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर रहने की भी सुविधा है। शुरू में जब आती हैं तो कुछ मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ लोग हॉस्टल में भी रहते हैं तो उनको एडजस्ट करना पड़ता है, और शुरू में उनको नियम बताए जाते हैं कैसे रहना है क्या करना है, और धीरे धीरे वे लोग फिर अपने आप को ये ढाल लेती हैं यहाँ की परिस्थिति से ताल्लुक रखती हैं। इनकी शैक्षणिक योग्यता भी बहुत ज्यादा नहीं है। सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण पा रही युवतियां कहती हैं कि यहां आने के बाद उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है, बेहतर भविष्य की उम्मीद जगी है। मेरे गांव में एक वीरेंद्र सर नाम के जाते थे गाय का इलाज कराने के लिए। वही बताएं कि वहां पे कृषि केंद्र में एक सिलाई सिखाया जाता है, तुम जा सकती है तो जा। तो हमने बोला कि मेरे पास पैसा बहुत कम है, तो वहाँ पे पैसा नहीं लगता है का। तो बोले कि नहीं पैसा नहीं लगेगा, रूम किराया लगेगा। तो हम फिर उससे मिले, तो फिर अलमा सिस्टर से बात किए वो, और बोले कि जा सकती है। कुछ प्रैक्टिकल में सिस्टर बनाने के लिए दी है, और रुमाल बनाया सिलने के लिए भी, मशीन चलाने के लिए सिखाई, और शॉल बनाने के लिए डिज़ाइन, कई तरह की डिज़ाइन बताई। सीख के दूसरों को सिखाना चाहते हैं और फिर सेल भी करना चाहते हैं। इनकी माने तो यहाँ बेहतर तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन्हें 3 महीने तक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके तहत अलग अलग तरीके की सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दी जाती है। कोई दोस्त और सहेली, तो कोई परिचित के जरिए, तो कोई दूसरे माध्यम से जानकारी पाकर यहाँ प्रशिक्षण लेने पहुंची है। पर सभी का लक्ष्य एक ही है, स्वावलंबी बनना। शुरू में आते हैं तो सभी को तो आता नहीं है। कोई कोई ऐसी लड़कियां हैं जिसको कभी ये लोग सुई ही नहीं पकड़ी हैं, तो सभी को बताना पड़ता है शुरू से। और जैसे सिलाई के साथ साथ ये बुनाई जो कर रहे हैं तो इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही साथ ये डिज़ाइन वाला ये भी बताया जाता है शुरू से ही। बहुत सारी लड़कियां ऐसे ही हैं जो कि कभी सिलाई की नहीं, कभी सुई में धागा तक नहीं डाले हैं, तो उनको पूरा शुरू से सिखाना पड़ता है। और ये डिज़ाइन इसलिए सिखाया जाता है कि बाद में ये क्रिएटिव बने, और जैसे अपना कपड़ा वगैरह या ये बच्चों का कपड़ा यदि सिलाई करने के लिए मिलेगा तो ये डिज़ाइन से ये लोग इसमें और भी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, या मूल्य संवर्धन करके कपड़ा को और बेहतरीन बना सकते हैं। और ये डिज़ाइन के साथ साथ बुनाई और सिलाई मशीन में सिलाई कैसे करना है, सिलाई को कैसे खोल करके फिट करना है और कैसे तेल लगाना है, वो शुरू से सिखाया जाता है। और अभी ये लड़कियां जो अभी हैं यहाँ पर 15-16 दिन हो रहा है, तो बहुत सारी लड़कियां मतलब सभी लोग अभी सीख गए हैं कैसे मशीन चलाना है, कैसे धागा डालना है, कपड़ा कैसे सीधा सिलाई करना है, वो सब, और अभी चल ही रहा है ये। ना केवल युवतियां बल्कि शादीशुदा महिलाएं भी यहां प्रशिक्षण ले रही हैं। सुनिए वे क्या कहती हैं। हमको यहां पता चला कि सिलाई होता है, तो हम सोचे कि कितना दिन भर समय बर्बाद करेंगे, 3 महीना के लिए हम भी ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद कुछ कुछ हम भी करेंगे कि मेरा रोजी रोटी चले। बहुत आपके मन में जो विचार आया वो काफ़ी अच्छा है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पति क्या काम करते हैं। वही पोपलिन चलाते हैं। अच्छा, तो इससे घर की स्थिति में कुछ सुधार है कि आप अपना कुछ करके और बेहतर करना चाहती हैं। घर में तो ऐसे भी सुधार है, पर हम लोग मतलब परिवार लंबा है, इसीलिए अभी शादीशुदा हो गए तो अपना अपना घर के लिए सोचना पड़ेगा। इसीलिए हम सोचे कि यहाँ पे जब बेटा को एडमिशन कराए हैं तो हम समय बर्बाद क्यों करें, ताकि 3 महीना का यहाँ ट्रेनिंग होता है, इसीलिए हम वहाँ से डिस्कोलर हैं। प्रशिक्षण में 3 महीने का जो होता है इसमें क्या क्या सुविधाएँ दी जाती हैं। यही सोल बनाने का है, ये मतलब जितना भी हम लोग अभी सीखेंगे कटिंग छटिंग, उसके बाद में फिर हम लोग कहीं अपना से मतलब टेलर खोल के सिलाई करेंगे, फिर उनसे हम लोग कुछ कर सकते हैं, यदि हम लोग किसी को और सिखा सकते हैं। इस केंद्र में साल में 2 बार प्रशिक्षण कैंप लगता है। क्या है प्रक्रिया, समझा रही हैं सिस्टर अलमा। 3 महीने का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में बच्चों का जितना भी कपड़ा है, जैसे कि जेवला जंगे व बाबा शूट और 3-4 प्रकार का फ्रॉक, ये सब सिखाया जाता है, और महिलाओं का जितना भी कपड़ा है,
जैसे कि ब्लाउज अलग अलग डिज़ाइन का, फिर पेटीकोट, सलवार सूट, नाइटी, और इसके अलावा अलग अलग तरह का बैग्स वो भी सिखाया जाता है। तो ये 3 महीने में हम लोग कवर कर लेते हैं। यहाँ पर जब शुरू में आती हैं लड़कियाँ तो जस्ट हम एग्ज़ाम लेते हैं कि कितना वो लोग पढ़ लिख सकते हैं, जैसे पहाड़ा, जैसे ये टेलरिंग में जो अभी शुरू करेंगे तो उसमें फिर उनको घुना भाग करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तो वो हम पहले देख लेते हैं। और जो नहीं सकते हैं जोड़ने घटाने वगैरह, थोड़ा तो चाहिए ही सिलाई कटाई के लिए, तो फिर उनको फिर सिखाया जाता है। जो अधिक पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं तो वो लोग दूसरी लड़कियों को सिखाते हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं। तो यहाँ पर ऐसी लड़कियाँ भी हैं जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी हैं, और कुछ लड़कियाँ तो हैं कि 4-5 क्लास, कुछ लोग ये कॉलेज तक ये पढ़ाई कर चुके हैं। तो हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। तो जो जैसे सिलाई में जिसका होता नहीं है, तो जो जिनको अच्छे से आता है सिलाई तो वो लोग उसकी मदद करते हैं। इस तरह से हम लोग का ये काफ़ी सक्सेसफुल हो जाता है। इस केंद्र में इन लड़कियों के रहने खाने के साथ साथ सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। प्रशिक्षण पा रही लड़कियाँ भी मिलने वाली सुविधाओं से संतुष्ट दिख रही हैं। ये हॉस्टल जो यहाँ पर है ये लॉन्ग ड्यूरेशन या शॉर्ट ड्यूरेशन सभी के लिए है यहाँ पे, विशेषकर ये महिलाओं के लिए है और लड़कियों के लिए। तो यहाँ 3 बार ये दिया जाता है मील्स, सुबह शाम 12 बजे। जैसे कि वो लड़कियाँ बता भी रही थी कि सुबह में रोटी सब्जी, फिर शाम को रोटी दाल सब्जी चावल, और शाम को सब्जी रोटी सब दी जाती है। रोजगार के लिए जैसे कि यहाँ से तो ये मिलता है, उनको सर्टिफिकेट मिलता है। और बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो कि बैंक से लोन लेती हैं और अपना सेंटर शुरू करती हैं। और हम लोग जितने भी ट्रेनिंग्स हैं यहाँ पे उनका हम लोग एड्रेस रखते हैं, और जब जब मुझको समय मिलता है अभी ट्रेनिंग के बाद में मुझको फॉलोअप करने के लिए जाना पड़ता है, और फिर उनकी समस्याओं को मैं सुनती हूँ कि क्या समस्या है या वो लोग कर रहे हैं नहीं। इस तरह से वे लोग जैसे जिस बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि सेंटर खोली हुई है जगह जगह पे गांव में, और कुछ तो ऐसी महिलाएं हैं जो कि सिखा भी रही हैं। तो इस तरह से ये लोग मतलब रोजगार ये लोग अपने से स्वयं ये ढूंढ लेती हैं। तो आपने अभी हमारे विशेषज्ञ से जानकारी ले ली, चलिए अगली जानकारी भी देते हैं आपको, लेकिन उससे पहले लेंगे एक और छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें, और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहनों, रबी के मौसम में कई तरह की फसलें लगाई जाती हैं, तो उसमें खेत की तैयारी किस प्रकार से की जाए, उसकी देखभाल किस प्रकार से करें, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर SN चौधरी से। किसान भाई नमस्कार। आप सब खेती बाड़ी का कार्य करते हैं, खरीफ का समापन होने वाला है, अब निश्चित रूप से आप रबी की तैयारी में जुटेंगे। रबी की खेती और उन्नत खेती के बारे में आज हम जानकारी ले रहे हैं होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र के सच वैज्ञानिक डॉक्टर SN चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि रबी फसलों के लिए, बेहतर उन्नत खेती के लिए क्या क्या तैयारी की जानी चाहिए? ये जब रबी फसलों की खेती की बात जैसे ही जहन में आती है तो किसान के अंदर बहुत सारी बातें आती है। पहली बातें आती है कि जहाँ हम खेती करने जा रहे हैं वहाँ पे पानी क्या व्यवस्था है, सिंचाई क्या व्यवस्था है, यदि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो कौन सा ऐसा हम सस्य क्रियाएँ अपनाएं कि नमी हमारी सुरक्षित रहो और हम वहाँ पे खेती संभव कर सकें। उसके बाद आते हैं कि फसल के अनुसार उन्नत किस्में हमको मिलनी चाहिए, समय से मिलनी चाहिए,
कौन सा उर्वरक देंगे, बाजार में उसकी उपलब्धता है कि नहीं है, है तो उसके भाव क्या है, कहीं ज़्यादा तो नहीं है, सारी बहुत सारे दिलो दिमाग में उनके ये प्रश्न उठते रहते हैं। तो मैं एक एक करके बात पहले करूँ कि सबसे है कि खरीफ अंत की ओर है और इस बार जो वर्षा की स्थिति रही तो वो बीच में 38 दिन झारखंड में कमोवेश 38 दिन जो है वर्षा का नहीं होना, ये बड़ा घातक सिद्ध हो रहा था। अंततोगत्वा बारिश हुई, धान फसल उससे कुछ तो उसको लाभ जरूर मिला है, रबी को भी लाभ मिलने जा रहा है और हम लोग हथिया की अच्छी बारिश अगर हो जाती है तो किसान को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो किसान धान के खेत में रबी खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए सुझाव है कि जहाँ धान की खेती होती है प्रायः वहाँ सिंचाई की सुविधा कम होती है, होती भी है तो कम है, तो किसान क्या करे, जैसे ही धान कटनी करे तो मल्चिंग के रूप में धान को अपने खेत में बिछा दे ताकि नमी उसकी सुरक्षित रहे। और जैसे ही बोझा बांध के, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा को बांध पे मेड़ पे रख ले और अविलंब वो खेत की जुताई शुरू कर दें। कोशिश हो कि जुताई संध्या काल में हो ताकि ओस गिरने से उसमें कुछ न कुछ नमी जो कमी रह जाती है उसकी पूर्ति हो जाती है, और प्रातःकाल उसकी बुआई हो या शाम को ही बुआई कर दें और रात भर खुला छोड़ दें तो उससे क्या होता है कि उस रात भर जो नमी मिलती है चना तीसी मसूर ऐसी फसलों में उसका लाभ मिलता है। जहाँ सिंचाई की सुविधा है तो किसान को चाहिए कि अपने कृषि यंत्र जो हैं, जुताई के यंत्र हो या फिर सिंचाई यंत्र हो, ये सब पहले से दुरुस्त करके रखना चाहिए। ये तैयारी का सबसे शुरुआत है, बीज अनुशंसित बीज ही बोएं, क्योंकि रोग और कीड़े का आक्रमण होता ही है, पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है, कल भी होगा। हम लोग प्रबंधन करते हैं, नियंत्रण उसका नहीं करते, प्रबंधन करते हैं। तो प्रबंधन के तहत आता है कि वो अनुशंसित किस्में किसान को लगानी चाहिए जो उस क्षेत्र विशेष के लिए अनुशंसित है, उसमें है कि रोग और कीड़ा जो है वो प्रतिरोधी किस्म होती है ताकि रसायन या और किसी क्रिया पर उसका ज़्यादा जोर नहीं पड़े और लागत खर्च कम हो। बीज उपलब्ध कर लेना चाहिए, खाद भी समुचित समय पे पहले से रख लें। रख लेने के बाद ध्यान ये रहे कि समय बहुत महत्वपूर्ण है रबी फसल के लिए, नमी खेत में उपलब्ध हो यदि उसका उपयोग कर रहे हैं तो आप अविलंब उसकी जुताई करके और बुआई करके पाटा चला के नमी को सुरक्षित कर लें, खेती को सुरक्षित कर लें। चौधरी साहब, आपने इससे पहले बीज के बारे में बात की थी, तो जब बीज उपलब्ध हो और वो अनुशंसित बीज हो, क्या उसमें भी बीज उपचार की आवश्यकता है? निश्चित रूप से, हाँ, ये बात तो बड़ी सही आपने कही कि किसी भी फसल या सब्जी या फल फूल की आप खेती करने जा रहे हैं तो बीजो उपचार के बिना खेती ना करें, और बीज उपचार का सामग्री इकट्ठा पहले से कर लेनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि कार्बेंडा जीम 50% WP जो बाजार में बेबिस्टीन, धनुष्टीन, जकिस्टीन, सबिस्टीन इन नामों से मिलते हैं, लेकिन केमिकल्स कार्बेंडा जीम याद रखें, कार्बेंडा जीम 50%, 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करके ही बोनी चाहिए ताकि बीज से बीज में फैलने वाले रोग की रोकथाम हो जाती है और किसान इसे सुरक्षित रहते हैं, ये जरूरी है। और जहाँ तक रबी फसल के लिए खेत की तैयारी की बात है तो क्या विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए? नमी हो रहते हुए संध्या काल में किसान जुताई करे, रात भर खुला छोड़े, दो जुताई करके रात भर खुला छोड़े, सुबह में पाटा चलाएं ताकि बड़े बड़े ढेले जो है वो टूट के खत्म, छोटे छोटे ढेले में बदल जाए, मिट्टी आपकी भुरभुरी हो जाए। गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद यदि संभव है तो पहले उसका छिड़काव कर लें, तब जुताई करें, जुताई करके पटा चलाएं, फिर दूसरे सुबह में उसकी 2 बार फिर जुताई करें। 2 से 3 जुताई रबी के मौसम में करना पर्याप्त होता है, लेकिन यदि आप दलहन की खेती करने जा रहे हैं तो बहुत जुताई की उसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि मिट्टी जनित कीट का आक्रमण होता हो, जैसे दीमक, झिंगुर, उजला ग्रब, धर छेदक, ये सब कीट जो है जमीन के अंदर रहते हैं, काली चिट्टी, लाल चिट्टी, ये सभी के सभी कीट जो है भूमि के नीचे रहते हैं, तो अंतिम जुताई के पहले बाकी सारे रसायन प्रतिबंधित हो चुके हैं, लेकिन
क्लोरोपायरीफॉस 4% पाउडर, क्लोरोपायरीफॉस 4% पाउडर या धूल कहें, कट्ठे की बात करें या डिसमल की बात करें तो 100 ग्राम प्रति डिसमल की दर से करें, छोटे छोटे किसान के लिए सुविधा होती है। एकड़ की बात करें तो 8 से 10 किलो प्रति एकड़ की दर से अंतिम जुताई के पहले खेत में भुड़क कर और हल के द्वारा जोत कर उसको मिट्टी में मिला देनी चाहिए। तो मिट्टी उपचार और बीज उपचार ये दोनों हो गए। अब बुआई फसलवार, फसल के अनुसार दूरी बनाए रखना जरूरी है। कभी भी किसी भी शर्त पर किसान छींट के खेती न करें, छिड़कवा विधि से खेती ना करें, हल के पीछे करें, कतार में करें। आलू वगैरह समय तो कतार में करते हैं लेकिन प्रायः चना सरसों तीसी इसको किसान छींट देते हैं, छींट के नहीं करें क्योंकि जहां छींट करेंगे और खरपतवार का तिनपतिया हो गया, बनप्याजी हो गया, हिरनखोरी हो गया या आप कहें हजार दाना हो गया, मोथा हो गया, इनका आक्रमण होना ही है रबी के मौसम में। और अगर छींट करते हैं तो आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो मजदूरों पर इतना खर्च होगा क्योंकि महंगी होती चली जाएगी और सही मायने में कृषि यंत्र का भी उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। कतार में होने से हम खरपतवार ना नियंत्रण कर सकते हैं कृषि यंत्र से, क्योंकि रबी के मौसम में यदि आप कृषि यंत्र का उपयोग करते हैं तो ऊपरी परत टूटती है, उससे ऊपरी परत टूटने से नमी सुरक्षित रहती है मिट्टियों के अंदर में, तो यह और हवा का संचार होता है जड़ों के नीचे में, उससे उत्पादन पे अनुकूल असर पड़ता है। किसान को साथ एक और मैं सलाह देना चाहूँगा किसानों को कि देखिए अब है जैविक खेती का समय आया है, रसायन पर हम लोग निर्भरता कम होनी चाहिए। दलहन और तेलहन और अनाज यही तीन तो मुख्य रूप से सब्जी खेती रबी के मौसम में कर रहे हैं, तो दलहन में राइजोबियम जीवाणु खाद का उपयोग किसानों को करनी चाहिए और अगर आप तेलहन की और गेहूं की खेती कर रहे हैं तो एजोटोबैक्टर का करना चाहिए उपयोग, और सब्जी करें तो एजोटोबैक्टर भी सब्जियों के लिए भी अनुसंचित है। PSB जो है फॉस्फोबैक्टीन, फॉस्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया भी इसको कहते हैं, PSB का फुल फॉर्म वही हुआ, ये सभी फसलों के लिए एक ही होता है। तो चौधरी साहब आपने रबी फसलों की खेती और उन्नत खेती के बारे में बहुत अच्छी जानकारी किसान भाइयों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी। तो आज आपने ढेर सारी नई नई जानकारियाँ ले ली, आशा करती हूँ कि आज की जानकारियों से आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। चलिए जाते जाते आप हमारा पता लिख लें जिससे आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर से हाजिर हो जाएंगे अगले अंक में आप सभी के लिए कृषि से संबंधित नई नई जानकारियाँ लेकर। जोहार।